हमारा स्पष्ट मानना यह है कि सरकार की नीति है कि झारखंड राज्य के संसाधनों पर पहले झारखंडियों का हक हो। झारखंडी कौन, ये सवाल हो रहा है। भारत के संविधान ने 1950 को एससी एसटी के लिए पैमाना माना है। एससी एसटी का आरक्षण हासिल करने के लिए उस विभाग में रहने का 1950 से पहले रहवास का प्रमाण पत्र देना होगा, यह भारत सरकार का बनाया पैमाना है। और उसी तरीके से 1978 से पूर्व अन्य पिछड़े जातियों के लिए पैमाना है, ईवीएस को आरक्षण के लिए झारखंडी होना आवश्यक है। तो मैं ये सीधे तौर पर मानता हूँ कि 60% नौकरियों पर कहीं भी कोई सवालिया निशान नहीं है। 60% नौकरियाँ झारखंडी बाल बच्चों के हाथ में आएंगी। बाकी जो सवाल है उसमें सरकार भाषा पर, रीति रिवाजों पर, उनके ज्ञान को परखने के बाद ही उन्हें मौका देगी। देखिए जी, ये जो स्थानीयता को लेकर त्रिमंडलीय मंत्रिमंडलीय समिति उप समिति बनी थी और उसका जो सजेशन था कि छत्तीसगढ़ के तर्ज पे जो है वो बनाया जाए, और तकरीबन उसी का सिफारिश जो है लागू किया रघुवर दास ने। अब क्या आपको लग रहा है कि बदलाव होना चाहिए या फिर जो नई जनता ने 85 की स्थानीयता के एजेंडे को खारिज किया है और जो जनभावनाएं हैं उसके आलोक में हेमंत सरकार निर्णय लेगी। उर्दू को लागू करके कह रही है सरकार, विपक्ष कह रही है कि वोट बैंक बना रही है और कांग्रेस की वोट काट रही है। मेरे वक्तव्य को आपने गौर से नहीं सुना, मैं फिर से दोहरा देता हूं। पत्रांक 1278, अगर आप चाहें तो मंगा कर दे दूं, एक ही कॉपी है, फोटो खींच लीजिएगा। 4/6/2003 अमित खरे साहब की चिट्ठी है। झारखंड अलग राज्य होने के उपरांत पहली बार भौगोलिक सीमा के अंदर में भाषाओं का वर्गीकरण किया गया था। तिवारी जी, ए फाइल फाइल देना, लेकिन हिंदी को हटा वो फाइल देना, इसको कैसे पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में मत फंसिए, तथ्यों के आलोक में बात कीजिए। पांडे जी, मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो तथ्यों के आलोक में कह रहा हूँ। यह वो पत्र है जो अमित खरे साहब के द्वारा 4/6/2003 में जारी किया गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी साहब थे। मैं पढ़कर सुना देता हूं फिर से आपके समक्ष। तदनुसार ऐतद संबंधी विभागीय प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के पश्चात राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि झारखंड की भौगोलिक सीमा के बहुभाषाभाषी क्षेत्रों में उनकी जनसंख्या स्थान विशेष में हिंदी राष्ट्रभाषा के अतिरिक्त मातृभाषा वर्ग 1 से हिंदी, बंगला, उड़िया, उर्दू, संथाली, उरांव, हो, मुंडारी, खड़िया, खोरटा, कुरमाली तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए अंग्रेजी भाषा के माध्यम से मातृभाषा को शुरू किया जाएगा। ये उर्दू हमने नहीं लाई है, ये 2003 का अमित खरे का पत्र इस बात का दस्तावेज है कि ये उर्दू झारखंड गठन से चली आ रही है। अब आप अपने दूसरे प्रश्न पर आएं। आप ये कहते हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार ने हिंदी को हटाया। मैं आपसे यह कहता हूं कि जेएसएससी की नियमावली का आप अध्ययन करें। जेएसएससी की नियमावली यह कहती है कि कर्मचारियों के चयन के लिए परीक्षा फल के 3 प्रश्न पत्र होंगे। पहला प्रश्न पत्र होगा वह क्वालिफाइंग होगा जिसमें अंग्रेजी और हिंदी है। दूसरा प्रश्न पत्र जो मेरिट तय कराएगा इसमें 5 जनजातीय, 4 क्षेत्रीय और 3 अन्य भाषाएँ, बंगला, उर्दू, उड़िया, यानी कुल 12 भाषाओं में अंक प्राप्त करने होंगे। तदनुपश्चात वो तीसरा प्रश्न पत्र खुलेगा जो सामान्य ज्ञान का है। दूसरे और तीसरे प्रश्न पत्र में कि के अंकों के आधार पर मेधा सूची का निर्धारण होगा। हिंदी को हम लोगों ने कतई नहीं हटाया, हिंदी बकायदा क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है। अगर मैं खोरठा वासी हूँ और मुझको खोरठा में एग्जाम देना है तो अगर मैं हिंदी में नहीं पास करता हूँ तो खोरठा मेरे एग्जाम देने के रास्ते बंद। बात तो यही है कि झारखंड लाइव की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।